राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाला कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश की खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से हुआ था फरार। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं को शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई सेक्टर से संबंधित। हल्द्वानी आ रहे प्रधानमंत्री, एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए। ये सभी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। अभी तक 4 आतंकियों की पहचान, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय, कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताई। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को आज से 6 महीनों के लिए और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। केंद्र ने यह फैसला उस वक्त लिया जब राज्य में AFSPA हटाने की मांग काफी जोर पकड़ चुकी है। WHO चीफ टेड्रोस एडनोम गैब्रियसिस ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी। कहा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाह हो जाएगा। गैब्रियसिस बोले, दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर कर रहा काम। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बढ़ेंगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 15,000 के आसपास मामले। देश में बीते 24 घंटे में 13,154 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 7,347 मरीज रिकवर। इस दौरान 268 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 28,49,00,000। महामारी से अब तक कुल 54,00,000 से ज्यादा की मौतें, जबकि 9,10,00,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। सेंचुरियन टेस्ट का 4th दिन एक बार फिर से टीम इंडिया के नाम रहा। साउथ अफ्रीका के सामने 305 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 54 रन है। 5वें दिन टेस्ट अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। पेट्रोल और डीजल के रेट के लिहाज से आज हफ्ते का 4th दिन भी गुरुवार राहत भरा रहा। 30 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, ना ही रेट घटाए गए ना बढ़ाए गए। आज लगातार 29वें दिन रेट में कोई बदलाव नहीं। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। हालांकि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 10 पॉइंट्स बढ़कर 57,743 पर कर रहा कारोबार।